What's up guys, welcome back to another vlog and आज के vlog में guys हम लोग SA12 के creators को पूछने वाले हैं, would you rather? उनको दो options हम देंगे, दो situations देंगे, उनमें से वो लोग को choose करना होगा कि वो लोग या तो ये select कर सकते हैं या तो ये select कर सकते हैं। कुछ questions हमने specifically कुछ creators के लिए prepare किया, बाकी कुछ general questions भी है। तो आए चलते हैं, अभी जॉर्जिया पॉल बहुत खाली है, देखते हैं कौन से कमरे में कोई मिल जाए, कोई बकरा पकड़ते हैं। ये रहा हमारा पहला बकरा, आए और दो और पड़े हैं। बकरे मत बोलो, समझ गया? बकरे हैं आप। तो सीन ऐसा है, हम खेलने वाले हैं वुड यू राधर। आपको दो सिचुएशंस दी जाएंगी, या तो ए या तो बी, दोनों में से आपको चूज करना है। कुआ या खाई, कहाँ कूदना है ये डिसाइड करना है आपको। तो तुम्हारा पहला सवाल है, वुड यू रादर हैव द एबिलिटी टू प्ले योर फेवरेट गेम विद परफेक्ट स्किल्स बट नेवर बी एबल टू प्ले एनी अदर गेम, या तो बी एबल टू प्ले एनी गेम यू वांट बट ओनली एट एन एवरेज स्किल लेवल। जिंदगी भर एक ही गेम खेलता रहेगा तो चलेगा, उसमें जो फ्यूचर बन जाएगा ना, उसमें जो करियर बन जाएगा, उसमें फिर हम है ना अनमैच्ड, इतना पैसा मास्टर बन के दूसरे गेम में एंट्री मार, ये इतना दूर मैं सोचा नहीं था, बट इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अगला पूरा सुनो। वुड यू रादर हैव द सुपर पावर टू पी एंड पूप व्हेनेवर यू वांट बट ओनली वंस इन 4 days, और यू गेट टू डू it every day but it happens at the most unexpected moment, once in a 4 day diet ऐसे कर लेंगे भाई। नहीं तो 4 दिन में एक बार हट लो, खतरनाक वाला। बताओ ज़रफ किस, क्या क्या सोच, क्या चल रहा है दिमाग में? अनएक्सपेक्टेड, पता चला वहां पे कहीं गए हो ऑफिस में, स्पीच दे रहे हो, सोच बंदे ऑलमोस्ट वही एग्जांपल है, मीटअप करने की हालत कराने में फैन, यू नो फैन गर्ल्स आर कमिंग, देख के टट्टी मे बी हम ऐसी डाइट रखेंगे, अच्छा देख के तेरा मुझे। अगला Would you rather not brush your teeth for a week or not take a shower for 2 weeks? Not teeth. दांत नहीं घिसेगा। Shower नहीं करके भी चलेगा? नहीं, मेरे दांत साफ चाहिए। दांत मैं किसी और चीज से खाने से साफ कर दूंगा, कुछ ऐसा खाऊंगा जिससे दांत साफ। हाँ, ककड़ी से साफ करेगा ना? नीम से भाई। दांत साफ हो सकते हैं मेरे हिसाब से, कुछ ना कुछ तो रिसर्च में। ठीक है। चिंगम होती है, चिंगम से हो सकता है, चल वो तो लूप होल है, जैसे सही लगे। साफ नहीं कर सकते, नो पर समझ गया, कोई नहीं। अबे चल। अगला है, वुड यू रादर बी स्टक इन आउटर स्पेस और अंडरग्राउंड फॉर अ ईयर? न्यू एक्सपीरियंस करने के लिए आउटर स्पेस बेटर है, चले अंडरग्राउंड तो घर जाके वैसे ही हो जाते हैं ना। हाँ, बात तो बराबर है, एग्जैक्टली। मतलब आउटर स्पेस हमारे घर को कैसा बोलते हैं ना, गेमिंग रूम जैसे का मैन केव है ना, तो उससे बेटर है एटलीस्ट हम नए प्लैनेट्स को नाम देंगे, नीचे आके दे देंगे, नया धन्यवाद आएगा, एक धन्यवाद 1 2 3 4 5। ठीक है, चल अभी थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस है तुम्हारे लिए, पर्सनलाइज दोनों के लिए एक एक, ठीक है? चल ज़रफ तेरे लिए पहले, Would you rather play only horror games for the rest of your life or play Valorant for the rest of your life? Tough question. नौबत पे आती है अगर this is the, ये दोनों खेलता है ना, वो तभी तो इसके लिए ही है ये। If this is the point where I have to go, हाँ, then I'll go for horror games. Horror? Variety मिलेगी bro. सही बात है, ये hypothetical था ना, ये तो question. That's why, just variety होने के लिए. या, तो तेरे लिए एक और question है. Be the match MVP in every game of Valorant but lose all games, or be the bottom fragger in all games but win every game. Match MVP but I lose all games. Selfish player. कोई बात नहीं। जाएगा bronze में हार हार के। इसमें कोई selfish की बात नहीं। हार हार के bronze जाएगा। अगर मैं खेल रहा, अगर मेरे audience अगर टट्टा gameplay देख रही है, तो point क्या है? वो तो वैसे ही देखा है उन्होंने 3 साल BGMI भी। हाँ। थोड़ा flex। अमन भाई, फोन रखे। Would you rather have visible physique like Hrithik Roshan but no agility, or have agility like Tiger Shroff but no hunk physique like Hrithik? मतलब visible नहीं होगा तेरा abs webs, पर तू agile होगा। अभी तो दोनों ही नहीं वैसे। तो दोनों में से एक कौन सा choose करेगा तू? अगर या तो physically वैसा hunk दिखना या वैसे? नहीं, मैं second वाला, जो टाइगर श्रॉफ वाला। अमन बड़े के क्यों रीजन? अमन बड़ा बनकर जॉन लीवर बनेगा। रीजन होगा कुछ? रीजन यही है, मैं जितना बचपन में जीता हूँ ना हर चीज में, रनिंग हो गया, जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सबकी छोटी छोटी ट्रॉफी।
लाइक वो फेस वापस से एक फास्ट वाला ऐसा नहीं होता बिल्कुल एकदम एक्टिव मतलब टाइगर श्रॉफ चाहिए वही समझो हां दिखना उतना क्या है हां तेरे लिए एक और है अमन एज एन आईजीएल वुड यू रादर बी एबल टू प्रेडिक्ट द जोन शिफ्ट एंड गेट चिकन डिनर विद जीरो किल्स और बी द एमवीपी ऑफ द टूर्नामेंट बट द टीम नेवर विंस दूसरा वाला क्या है एमवीपी होता लेकिन टीम नहीं जीतेगी हां एमवीपी होगा टीम नहीं जीतेगी या तो तू आईजीएल है और तू मतलब हर बार चिकन निकाल रहा है बिना किल का शुरुआत से फर्स्ट ऑप्शन के साथ वैसे ही सीन है और भाई मेरे को क्या मेरा बैंक अकाउंट भरेगा टीम प्लेयर हां बैंक अकाउंट भरेगा तेरा ऑपोजिट बोला है जरफ किसे मैगनेट अमन भाई ओपी इन द चैट करे वो फर्क नहीं पड़ेगा वो मस्ती कर रहा वो अच्छा लगेगा मेरे को हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अक्षय भाई हाय हां बताएं क्या सीन बॉडी क्या फ्लेक्स कर रहा है भाई अरे मैं वो कर रहा था स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग तो अक्षु भाई आपके लिए हमारे पास है कुछ सवाल वुड यू रादर अच्छा वुड यू रादर तो आपका पहला सवाल है वुड यू रादर हैव द एबिलिटी टू प्ले योर फेवरेट गेम विद परफेक्ट स्किल बट नेवर बी एबल टू प्ले एनी अदर गेम और बी एबल टू प्ले एनी गेम यू वांट बट ओनली एट एन एवरेज स्किल लेवल परफेक्ट स्किल वाला गेम भाई एक ही गेम खेलता रहेगा परफेक्ट लेवल पे ऐसा क्यों क्योंकि अगर वो परफेक्ट कर लिया तो गेम गलती फेमस हो गया भाई सबका यही जवाब है भाई सबका ऑब्वियसली कौन है एवरेज हमको एवरेज पसंद नहीं है एवरेज कुछ पसंद नहीं है अगला सवाल है आपके लिए वुड यू रादर हैव योर लीस्ट फेवरेट सॉन्ग प्लेड ऑन अ कांस्टेंट लूप और नेवर लिसन टू म्यूजिक अगेन कांस्टेंट लूप ऑब्वियसली कुछ तो सुनने मिले कुछ तो सुनने मिले कान में कुछ आया ही नहीं ठीक है कान में तो सुन रहा है पर सोच ले क्या लीस्ट फेवरेट सॉन्ग तेरा है समझ ढिंचैक पूजा का कोई गाना है लिस्ट फेवरेट बोला ना ऐसा नहीं कि हेट करता हूं ऐसा ही समझ ले तू लिस्ट फेवरेट मतलब फेवरेट के लिस्ट में नहीं है मतलब एकदम लिस्ट फेवरेट मतलब तू नीचे फेवरेट है ना ऐसा सीन है नहीं फेवरेट ही नहीं है चल अब हेट है मतलब पसंद ही नहीं है जो तेरे को तो क्यों सुन बिना म्यूजिक के दिल में सकता देख लूं वुड यू रादर हैव हिकअप्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और कांस्टेंटली फील लाइक यू हैव टू स्नीज कांस्टेंटली फील आई हैव टू स्नीज क्यों हिकअप पूरे टाइम नहीं कर सकते पूरा टाइम यही है तू तेरे को लग रहा है कि तेरे को छींक आ रही है तू सबको रुका देता है ना कि एक सेकंड रुक छींक आ रही है चलेगा ठीक है अगला है आपके लिए वुड यू रादर नॉट ब्रश योर टीथ फॉर अ वीक और टेक अ शावर फॉर टू वीक्स या ब्रश या कौन सी वाली हाइजीन तेरे को ज्यादा है ब्रश वाली ज्यादा अच्छी है ना मुंह में फ्रेश फील होना चाहिए वो बॉडी का पास तो क्या बाजू वालों का आएगा अपने हो गया तेरे लिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है वुड यू रादर हैव द टॉप स्किल्स रिक्वायर्ड टू विन बीजेएमआई टूर्नामेंट्स बट यू लूज योर रीसेंट फिजिकल गेन्स और कीप योर फिजिकल गेन्स एज इट इज बट योर गेम प्ले स्किल रिड्यूसेस बीजेएमआई मतलब ऐसा स्किल है कि तू टूर्नामेंट जीत रहा है पर तेरा ये जो बॉडी है वो पहले ऐसा हो जाएगा हां चलेगा वो वाला अक्षु हां चलेगा सेज स्लोअर वाला अक्षु मैं बताता हूं अगर टॉप लेवल स्किल आ गया बीजेएमआई टूर्नामेंट जीत रहा हूं तो पैसा छाप रहा हूं पैसा छाप लिया तो बॉडी तो बननी जानी है नहीं 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 बॉडी बननी नहीं जानी है बनानी नहीं है बाद में तो बना सकता हूँ ना बाद में तो पर मतलब देखो जाने के बाद वापस तो बना सकता हूँ पर फिर तू मतलब बुली हो जाएगा फिर होने तो बुली का भले ही टूर्नामेंट जीत रहा बुली होता रहेगा पूरा टाइम पैसा आ रहा है पैसा आ रहा है मेंटल हेल्थ की माँ की बहन जी पैसा आना चाहिए बस तो अक्षु भाई अभी क्या प्लान है आपका बस अभी बीजेस की प्रैक्टिस करने जा रहा था मेरा क्या बात है ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट मिलते हैं तो गाइस इसका तो बीजेस का प्रैक्टिस चलता रहेगा हम भी चलते हैं थोड़ी देर स्ट्रीम करते हैं फिर मिलते हैं बट गाइस स्ट्रीम शुरू करने से पहले जो लोग भी एस्पायरिंग ई-स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं जो लोग अपना करियर शुरू करना चाह रहे हैं बीजेएमआई ई-स्पोर्ट्स में उनके लिए एक बहुत क्रेजी अपॉर्चुनिटी है तो गाइस फिलिप्स वनबिल्ड ला रही है क्रेजी अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर प्रोफेशनल गेमिंग जर्नी ऑल यू हैव टू डू इज रजिस्टर एंड कम्पीट फॉर द कवेटेड फिलिप्स वनबिल्ड कप पावर्ड बाय मिंत्रा तो गाइस मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा वहां पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो फॉर द कवेटेड फिलिप्स वनबिल्ड कप ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए भी एंड आपके टीममेट्स के लिए भी तो डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी गो चेक द डिस्क्रिप्शन एंड लिंक से जाके रजिस्टर करो तो चलो गाइस अभी स्ट्रीम करने चलते हैं मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस हमारे अगले पार्टिसिपेंट यहां पे बैठे हैं रेगा भाई पार्टिसिपेंट हां पार्टिसिपेंट मतलब आपके साथ सवाल जवाब करेंगे ना थोड़े हां आए तो आपके लिए भी हमारे पास कुछ सवाल है वुड यू रादर या पहला क्वेश्चन कुछ आपके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी है कुछ ये जनरल क्वेश्चंस है पहले वुड यू रादर हैव द एबिलिटी टू प्ले योर फेवरेट गेम विद परफेक्ट स्किल but never be able to play any game any other game or be able to play any game you want but only at an average skill level average skill nahi mera to perfect skill mein ek hi game khelta rahega zindagi bhar matlab game khel rahe ho aur average khel ha nahi
फिर मैंने यार मैं लूजर की तरह घूमते रहोगे पागलों की तरह। पर मैं उस सेंस में कि यार एक गेम खेलने के लिए बोर नहीं हो जाएगा भी हो, बट एवरेज खेल के ज़्यादा बोर हो गया। अच्छा यार नहीं बड़ी नहीं पाए, परफेक्शन में बहुत मजा आता है। सही बात। वुड यू रादर बी स्टक ऑन एन आइलैंड विद अनलिमिटेड फूड सप्लाई बट यू विल बी अलोन, और वुड यू रादर बी एबल टू हैव अ मील वंस इन टू डेज बट लिव इन अ क्राउडेड प्लेस? वैसे मैं कम खाता हूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि दो दिन में खा के जिंदा रहूँ? तो कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, मतलब बस फ्यूचर देख पाएगा तू, पर जो होना होगा वो होगा ही ना। फिर तो फर्स्ट पास्ट में जाके तू फ्यूचर बदल देगा वैसा, और बस मतलब आगे जाके क्या ही करेगा, जान के भी क्या ही करना, फिर मजा खराब हो जाएगा ये तो है ना। वो थोड़ा फिर प्रेशर में जीने लगेगा कि भाई ये होने वाला है अब तो। वुड यू रादर हैव द सुपर पावर टू पी एंड पूप व्हेनेवर यू वांट बट ओनली वंस इन 4 डेज? हाँ मतलब कभी भी कर सकता है तू अपने मर्जी के हिसाब से, पर एक चार दिन में एक बार, या तो तुमको एकदम अनएक्सपेक्टेड टाइम पे लग जाएगी। तो लगती है अनएक्सपेक्टेड टाइम पे कौन सा मैच पूछ के आते आऊँ क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड यार, तू सिचुएशन में ही नहीं है, तेरा आस पास कहीं टॉयलेट ही नहीं है। सुपर पावर थोड़ी सी पेट खराब करनी है, पेट नहीं तो पहला वाला सुपर पावर है ना कि तेरी मर्जी के हिसाब से आ रहा है वो, समझ रहे कि तूने अभी डिसाइड किया कि आज मुझे जाना है इतने बजे तो मैं इतने बजे हल्का होके जाऊंगा, या तो तू कहीं गया है बीच रास्ते में तेरे को लग गई है। क्या सोच रहा है टट्टी के बारे में, कभी इतना गहरा ख्याल आया नहीं ब्रो, सम डीप शिट मैन। आप तो सोच के बताइए, वैसा क्वेश्चन है कि अभी प्रैक्टिकली नहीं आंसर हो गया। तो अगर आपको ये ख्याल आज के दिन में आ जाए रात तक, हाँ बिल्कुल, तो हम फिर से आएंगे बराबर ये वाला आंसर, हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव, ये टू बी कंटिन्यूड है। स्पेसिफिक आपके लिए एक दो सवाल है, बहुत दुविधा वाला सवाल है, ध्यान से सुनना। दे दे वुड यू रादर नॉट बी एबल टू ड्रिंक पेप्सी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और तू जब जब पेप्सी पिएगा तेरे कीबोर्ड पे गिरेगी? तो अगला सवाल आपके लिए है, वुड यू रादर हैव गुड मस्टैश बियर्ड एंड हेयर पर वो कभी मतलब ऐसा सेट नहीं रहेंगे एकदम मेसी रहेंगे, और हैव नो मस्टैश बियर्ड बट हेयर ऑलवेज स्टेज सेट एंड यू लुक वेल ग्रूम्ड? सेकंड, मतलब बिना बियर्ड पर बाल सेट। हाँ तो ये क्यों उगाया अभी? नहीं नहीं उगाया आगे। हाँ यार वो तो तेरा नेचुरल लुक है वैसे, मासूम क्लीन शेव है बढ़िया। हाँ तो गाइस हमारे पास मर्सी भाई आ गए हैं, हाँ। आपके लिए हमारे पास दो सवाल है, ठीक है? सवाल है, हाँ। तो आपका मुंबई में फेवरेट प्लेयर सचिन है आपने कहा? सचिन का अभी तो चलो खेल नहीं रहे, पर अगर सोचो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अभी वो करंट मुंबई इंडियंस की टीम में खेल रहे थे, खेल रहे थे, हाँ। तो वुड यू रादर हैव मुंबई विन 2 ट्रॉफी इन अ रो विदाउट सचिन, और विन नो ट्रॉफीज टिल सचिन प्ले? मतलब मैं तो सीधा बोलता मुंबई को एक भी ट्रॉफी ना आए और सचिन तेंदुलकर अब तक खेल रहे, खेल मेरे को कितना मजा आ रहा होता, हाँ मेंटल बिग पीस रहता मेरे को, क्या दिन थे ना वो, रोदा हमने मुंबई से बोल दिया, कवर ड्राइव हो गया, मैं जब रिकी पॉन्टिंग जय सूर्या तब से भाई मुंबई का वो फील ही अलग था, वाले टीम का लाइनअप लाइनअप था पूरा, प्रॉपर लाइनअप था, लेजेंडरी लाइनअप। अगला क्वेश्चन बहुत टफ है आपके लिए, वुड यू रादर बी एबल टू प्ले क्रिकेट लाइक लेजेंड क्रिकेटर्स, लेजेंड क्रिकेटर्स बट नेवर बी एबल टू प्ले एनी ई गेम्स, ई स्पोर्ट्स गेम्स, हां कोई मतलब गेम्स ही नहीं चले ऐसा समझ लो, और बी एबल टू प्ले एनी गेम विद अटमोस्ट स्किल बट लीव क्रिकेट फॉरएवर? ये बहुत इजी सवाल था मेरे लिए, लेजेंडरी क्रिकेटर कैसे क्रिकेट खेले? इजी है, गेमिंग गेमिंग में हक तो कोई फर्क नहीं, फर्क नहीं मतलब एक होता है क्रिकेट, वो तो हम लोग पहले क्योंकि सपना देखते थे कि ऐसे मार पाए स्ट्रेट ड्राइव ये वो, मतलब गेमर हम बाय चांस बन गए गेमर। देखो सबसे पहले ऐसे भी मेरा सबसे पहला प्यार जिंदगी में था क्रिकेट, क्रिकेट क्योंकि हम लोग बचपन से क्रिकेट खेलते थे, फिर प्रोफेशनली भी हम लोग गए थे खेलने, लेकिन ठीक है यार उस तरीके का थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया, हम लोग इतने वैसे इंटरनेशनल वाला स्किल नहीं था,
कोई नहीं यार, वो अलग गेम खेल रहे होते, आज अलग गेम खेल रहे हैं, क्या बात है। तो गाइस नेक्स्ट गोल्डी भाई, हां जी वाइपर जी, आपके लिए हमारे पास दो सवाल है। वुड यू रादर खेल रहे हम, तो एक सिचुएशन है आपके लिए। वुड यू रादर बी एबल टू गेट इंक्ड एनी टाइम एनीथिंग यू वांट विदाउट एनी पेन बट नॉट बी एबल टू ट्रैवल, और बी एबल टू ट्रैवल एनीवेयर यू वांट बट नेवर बी इंक्ड अगेन। ये क्या बात है भाई, दोनों चीजें फेवरेट है मेरी। तभी तो दोनों में से अगर कोई एक चुनना हो, या तो टैटूज या तो ट्रैवलिंग, दोनों में से कौन सा आपके लिए कम? टैटू बहुत हो गए बट ट्रैवल बोलना, ट्रैवल ही करना प्रेफर करूंगा। टैटू तो बहुत हो गए, टैटू तो बहुत है, तो आई थिंक ट्रैवल करूंगा। तो ट्रैवल भी आपने वैसे ट्रैवल भी बहुत किया है आपने, बहुत किया, 8 साल हो गए ना आपको, 10 साल 8 साल हो गए, वो बात भी है। पर फिर दोबारा से करना शुरू करना है, तो आप क्या होगे आगे और टाइटल्स के प्लान है फिर? हाँ बहुत है अभी तो, बट कोई बात नहीं, उसको स्किप कर सकते हैं हम, ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बात है। अगला क्वेश्चन है, वुड यू रादर हैव एनी पेयर ऑफ स्नीकर्स यू एवर ड्रीम्ड ऑफ फॉर फ्री एंड नेवर बाय एनी शू अगेन, और कीप बाइंग स्नीकर्स बट नेवर बी एबल टू बाय द ड्रीम पेयर? आई कीप बाइंग स्नीकर्स, एक पे नहीं रुकना है, कलेक्शन ड्रीम पेयर मेरा है ना ऑलरेडी। अरे ये होता है फ्लेक्स वे, क्या बात है, क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ मैं तो 450 के जूते लेता, यहाँ पे कलेक्शन ही 450। ओ भाई 450 में घर जाएगा गाइस, क्या बात है यार गोल्डी भाई जॉर्ड। तो गाइस हम लोग एक टर्फ पे ऐसे टर्फ के शूट के लाए थे, यहाँ पे स्नैक्स भाई मिल गए, तो हम लोग सबसे पूछ रहे हैं वुड यू रादर, दो सिचुएशंस दी जाएगी। तो आपके लिए एक स्पेशल सवाल है आरसीबी रिलेटेड, वुड यू रादर हैव आरसीबी विन बैक टू बैक ट्रॉफीज विदाउट विराट? नो, और पहले नो कोहली के बगैर, और विराट खेलेगा पर एक भी ट्रॉफी तब तक नहीं जीत पाओगे, दोनों में से कौन सा? नहीं कोहली के बगैर ट्रॉफी नहीं आएगी, और कोहली होगा तो ही ट्रॉफी चाहिए। नहीं ट्रॉफी नहीं है, कोहली अगर है तब तक ट्रॉफी नहीं आएगी, ये दो सिचुएशन है। सेकंड वाले पे वो करें, चले कोहली के लिए ही ट्रॉफी चाहिए मेरे भाई। क्या बात है यार, सही है। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो में मजा आया होगा, एंड जाने से पहले गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट करना ना भूले, रजिस्टर करें टीम के साथ, एंड यू नेवर नो अगर आपकी टीम में कोऑर्डिनेशन है, जज्बा है और कुछ ई स्पोर्ट्स में नाम बनाना है तो ट्राई करने में क्या ही जाता है। डू रजिस्टर एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग, होप यू गाइस एंजॉयड। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।